आजादी की सालगिरह के ठीक एक दिन पहले देश के बंटवारे को लेकर प्रधानमंत्री का दर्द छलक उठा। उन्होंने ट्वीट किया कि बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। पीएम ने कहा कि नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। बीजेपी ने आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसका ऐलान किया। पीएम मोदी ने भेदभाव और वैमनस्य के जहर को खत्म करने पर जोर दिया और कहा कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदना की प्रेरणा मिलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी के फैसले का स्वागत किया और कहा कि 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय ऐतिहासिक है। विभाजन विभीषिका दिवस पर बीजेपी सांसद अपने अपने इलाकों में पदयात्राएं निकालेंगे। देश भर में कई कार्यक्रम होंगे। लखनऊ में विभाजन विभीषिका दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी शामिल होंगे। इस दौरान गांधी मूर्ति से लेकर विधानसभा तक मौन यात्रा निकाली जाएगी। देश में आजादी के अमृत महोत्सव के बीच आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बड़ा बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने कहा कि अगर महात्मा गांधी ने नेहरू और जिन्ना को अपना सहयोगी ना चुना होता तो देश का बंटवारा ना होता। उन्होंने कहा कि अगर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस को अपना एडीसी चुना होता तो बंटवारा टाला जा सकता था। इंद्रेश कुमार ने ये बातें जयपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कही। साल पहले भारत को आजादी मिली थी विभाजन के रूप में। बापू अगर जिन्ना और नेहरू को अपना एडीसी नहीं चुनते अंग्रेजों से वार्ता के लिए तो भारत के टुकड़े नहीं होते। वो एडीसी चुन लेते पटेल को, सुभाष को, अरविंद, महर्षि अरविंद को, तो भारत का विभाजन नहीं होता। बापू की छोटी सी भूल ने भारत को टुकड़े कर दिए। नीतीश कुमार के नाता तोड़ने के बाद बिहार में एनडीए को एक और झटका लग सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस गुट के 3 सांसद महागठबंधन के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर आरजेडी में, वहीं वैशाली से सांसद वीणा सिंह और नवादा के सांसद चंदन सिंह जेडीयू में जा सकते हैं। नीतीश के बीजेपी का साथ छोड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने ऐलान किया था कि वो एनडीए के साथ रहेंगे, लेकिन अब उनके साथ के 3 सांसदों की महागठबंधन के साथ जाने की चर्चा है। एलजेपी पशुपति पारस गुट में शामिल सांसद वीणा देवी ने टूट की खबरों को अफवाह बताया। वीणा देवी ने कहा कि वो एनडीए में हैं और आगे भी एनडीए में रहेंगी। इसके साथ सांसद चंदन सिंह ने भी महागठबंधन के साथ जाने की खबरों को निराधार बताया। बिहार में 10 लाख नौकरियों के वादे के सवाल पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर पलटवार किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि पहले उन लोगों से सवाल होना चाहिए जिन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से लगातार बीजेपी तेजस्वी के 10 लाख नौकरियों के वादे को लेकर सवाल कर रही है। हम तो दे रहे, उनसे जरा पूछो दे रहे कि नहीं दे रहे 2 करोड़। उनसे जरा पूछिए, 8 साल हो गया, 16 करोड़ रोजगार दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा था, हम तो दे रहे हैं, जरा उनसे पूछ के। शनिवार शाम श्रीनगर के अली कदर इलाके में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमला हुआ। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंका जिसमें 2 लोग घायल हुए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं हमलावर आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी वार पलटवार बढ़ता जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तमाम दावों पर सवाल उठाया और दिल्ली की मोहल्ला क्लिनिक को हो हल्ला क्लिनिक बताया। इसके साथ ही संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली में 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि दिल्ली में 16 स्कूल बंद हो गए हैं। दो
2015 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जब वो मुख्यमंत्री बने उस समय अरविंद केजरीवाल जी ने वायदा किया था, आम आदमी पार्टी ने वायदा किया था कि हम सत्ता में आएंगे 500 स्कूल बनाएंगे। उसके बाद लोगों ने आरटीआई डाला अभी कि बताइए कितने स्कूल बन गए, आपने तो वादा 500 स्कूल का किया था, बनना तो दूर। 16 स्कूल बंद हो गए हैं। बीजेपी के हमलों का मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश में पहली बार ऐसे हालात हो गए हैं कि केंद्र सरकार कह रही है कि हम स्कूल नहीं बनवा सकते, सरकारी अस्पताल नहीं बनवा सकते, गरीबों को राहत की योजना नहीं दे सकते। मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह हालात इसलिए हुए हैं क्योंकि केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों के टैक्स माफ कर दिए। कि अपने दोस्तों की तिजोरी भरने के लिए आपने देश का खजाना इतनी बुरी हालत में क्यों पहुंचा दिया कि आज आपके पास में स्कूल खोलने के पैसे नहीं है, अस्पताल खोलने के लिए पैसे नहीं है, आप कह रहे हैं कि दूध दही पे भी टैक्स लगेगा लोगों के, इतनी बुरी हालत में देश की अर्थव्यवस्था को क्यों पहुंचा दिया। कर्नाटक के शिवमोगा जिले में मॉल के अंदर सावरकर की तस्वीर लगाने को लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल शिवप्पा नायक मॉल प्रशासन ने मॉल के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव से पहले सावरकर की तस्वीर लगा दी, जिसके खिलाफ कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच कुछ हिंदू संगठन इसके पक्ष में आ गए और उन्हें मॉल में लगाए रखने की मांग की। लखनऊ में हिंदूवादी संगठनों ने आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध किया। लखनऊ के उमराव मॉल के बाहर अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इसके बाद फिल्म और आमिर खान के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के बाद पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे हिंदू महासभा के कार्यकर्ता को हिरासत में ले लिया। दिल्ली में मंकीपॉक्स के पांचवें केस का पता चला। एलएनजीपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली में मंकीपॉक्स का पांचवा मामला सामने आया है। इसके साथ ही देश में मंकीपॉक्स के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 10 हो गई। डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि इस बार 22 साल की युवती का सैंपल 12 अगस्त को पॉजिटिव आया। संक्रमित मरीज अस्पताल में निगरानी में है, उसका इलाज चल रहा है। हर घर तिरंगा अभियान का जबरदस्त रंग दिख रहा है। देश भर में देशभक्ति का माहौल है। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों ने भी अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर तिरंगा फहराया गया। घर की छत पर अपनी पत्नी के साथ शाह ने तिरंगा लहराया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा ध्वज फहराया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर स्कूली छात्र छात्राओं संग तिरंगे के साथ मौजूद थे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। कर्नाटक के रामनगर में प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए। भारत माता की तस्वीर के साथ हाथ में तिरंगा लिए लोगों पर फूलों की बारिश की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत के मायावती आश्रम में हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा लिया। नागपुर में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। भोपाल में हर घर तिरंगा अभियान का जिम्मा संभाला कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने। जन जन को इस अभियान के प्रति जागरूक करने के लिए विश्वास सारंग ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। समाज के अलग अलग तबकों के सैकड़ों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। अयोध्या में संतों ने तिरंगा फहराया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत राम की नगरी में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें संतों ने शिरकत की। उधर केदारनाथ मंदिर भी तिरंगे से सजा दिखा। मंदिर को तिरंगे के 3 रंगों की रोशनी से सजाया गया था। ये नजारा काफी मनमोहक दिख रहा था। सलमान रुश्दी पर हुए जानलेवा हमले के बाद उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। फिलहाल रुश्दी वेंटिलेटर पर हैं और बोल नहीं पा रहे। द सैटेनिक वर्सेस के लेखक के एक आंख जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने 24 साल के हमलावर हादी मतर को हिरासत में ले लिया और पूछताछ जारी है। वहीं ईरान के कई अखबारों ने हमलावर की तारीफ की।